नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है ये मटन करीब आधा किलो और मैं बनाने जा रही हूँ आज एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जिसका नाम है मटन पानी फ्राई। हाँ जी, बिना ऑयल के ये बनेगा हमारा शानदार मटन। तो मैंने देखिए ये पानी उबलने रख दिया है यहाँ और गैस को अब मैं करूंगी धीरे। जब भी आप इस तरह से मटन को बनाते हैं और गर्म पानी में डालते हैं तो इसका एल्ब्यूमिन जो है वो लॉक कर देता है सारी प्रोटीन्स को अंदर। और साथ में मैं डालूंगी ये नमक, साबित लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और ये कश्मीरी मिर्च। जी हाँ, ये सारा मिर्च का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। और साथ में जाएंगे कुछ लहसुन के जवे और ये मेरा मटन मसाला है और साथ में भुना हुआ जीरा। है ना बढ़िया? तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। अब ये देखिए मटन को मैंने डाल दिया काफी सारे पानी में, तो ये करीब 2 लीटर के करीब पानी है और आधा किलो ये मटन है। क्योंकि हमें ऑयल का यूज नहीं करना, कोई और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है और बिल्कुल खौलते पानी में हमने ये डाल दिया। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे थोड़ी सी ये हरी मिर्च और मैं डालूंगी ये काली मिर्च और साथ में जाएगा लाल मिर्च। नमक हम थोड़ा कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसका नेचुरल टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं सिर्फ डाल रही हूँ 1 चम्मच क्योंकि हम इसको सूखा बनाने वाले हैं। और एक चीज और जाएगी इसमें, ये है लहसुन। बहुत ही बढ़िया बनके होगा ये तैयार। और मैं थोड़ा सा अभी डाल दे रही हूँ इसके अंदर ये कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा ये मटन का मसाला, ये गरम मसाला है ये देखिए। और मैं डालूंगी इसके अंदर भुना हुआ जीरा। ये सारी चीज डाल के हमें अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी देर हम इसको चलाएंगे इस तरह से और फिर इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 40 से 45 मिनट गलने देंगे। जब ये नेचुरल गल के होगा तैयार तो आप देखेंगे कि कितना स्वादिष्ट और कितना बढ़िया इसमें आपको आएगा मटन का नेचुरल टेस्ट। तो कुकर का इस्तेमाल ना के हमें अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी देर हम इसको चलाएंगे इस तरह से और फिर इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 40 से 45 मिनट गलने देंगे। जब ये नेचुरल गल के होगा तैयार तो आप देखेंगे कि कितना स्वादिष्ट और कितना बढ़िया इसमें आपको आएगा मटन का नेचुरल टेस्ट। तो कुकर का इस्तेमाल ना करिए, इसी तरह से किसी भी डेगची के अंदर आप इसको बनाइए। ये देखिए, तो ये सारा इस तरह से 5 मिनट के लिए हम उबलते पानी में इसको रखेंगे ताकि ये सारा सील हो जाए और फिर हमारा बढ़िया मटन होगा तैयार। तो देखिए ये 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको ढक दे रही हूँ बिल्कुल टाइट और इसको 45 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये जो पानी के अंदर मीट की जो यखनी होती है उसमें ही ये स्वादिष्ट बनके हो जाएगा तैयार और जो चर्बी है वो काम करेगी ऑयल के लिए। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री हेल्दी एक रेसिपी है मटन पानी फ्राई। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 45 मिनट बाद। लगभग 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और मैं अब इसको चेक करूंगी कि ये मटन मेरा गला कि नहीं गला। मेरे ख्याल से ये गल गया। ये देखिए बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास गल गया और ये हड्डी ने मांस भी छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब हमें इसे कुछ नहीं करना, पानी को सुखाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें से क्योंकि ये मटन का नेचुरल टेस्ट है। अब ये देखिए क्या बढ़िया भुन गया ये और बिना ऑयल के, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है तो आप देख सकते हैं सारे मटन इतना अच्छा गल के भुन गया। कौन कहेगा कि इसके अंदर हमने ऑयल नहीं डाला, सारी चर्बी पिघल के इसका नेचुरल खुशबू
गजक जरूर से इसको ट्राई करिए। ये मोतिहारी का चंपारण मीट है और वहाँ पे ये बहुत ही फेमस है बिहार का, इसको हम कहते हैं नून मीट, नून मटन कहलाता है ये। नून पानी फ्राई, तो नून का मतलब होता है सॉल्ट, तो सिर्फ इसमें नमक डाला और पानी डाला और ये देखिए क्या लाजवाब बनके हुआ है तैयार। और अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग, थोड़ा सा पानी और है जो मैं सुखाऊंगी और फिर करते हैं प्लेटिंग। अब देखिए मैं करने जा रही हूँ इसकी प्लेटिंग और बिलीव करिए ये खाने के बाद आप तेल में तो मीट नहीं बनाएंगे। बिहार का ये मशहूर मटन पानी फ्राई एक वाओ रेसिपी है, वाओ इज द वर्ड। और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल ये गल के हुआ है तैयार 45 मिनट्स में, एफर्टलेस, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और कितना हेल्दी ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैं ये पैन को हटाऊंगी इधर और थोड़े से धनिया पत्ती से इसको करूंगी गार्निश और आप इंजॉय करिए। मैं भी एक पीस इसमें से खा के देखना चाहूंगी, वाओ बहुत ही स्वादिष्ट। तो मिलते हैं एक और ऐसी बढ़िया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच रेसिपीज। तो नींबू और हरे धनिया की चटनी के साथ आज आप खाइए रुमाली रोटी और मेरा पानी मटन फ्राई। Thank you.